Now, children, let's move on to chapter number 4, and this is memories forever. So, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? कुछ memories के बारे में पढ़ेंगे जो आपने अपने friends, relatives के साथ बनाए हुए हैं. So, childhood friendships are friendships that last in our memories forever. So, बचपन की जो यादें होती है ना, वो हमारे दिमाग में क्या है, एकदम से घर कर जाती हैं. उन यादों को, अपने फ्रेंड्स को हम भूल नहीं पाते. वो चीजें हमेशा, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमें याद जरूर आती हैं. यू एंड योर चाइल्डहुड फ्रेंड हैव शेयर्ड सो मेनी मोमेंट्स एंड गॉन थ्रू सो मेनी फेजेस ऑफ लाइफ टुगेदर. आप और आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी बुरी चीजें देखी होंगी, एक साथ देखी हैं. दैट बोथ You are like two different sides of one coin. Means एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एक head और एक tail. वैसे ही आपकी जो life है, आप दोनों की life आपस में जुड़ी हुई है. आप जो चीज उसने experience की होगी, वो चीज हो सकता है आपने भी experience की हो, क्योंकि आप दोनों क्या थे? Friend थे. तो जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो आप लोगों ने एक साथ सही है. तो आपको क्या करना है? You have to answer these questions. ये questions दिए गए हैं, I'm going to explain you, और उसके according आपको इन्हें answer देना है. First is, have you made any friend over the internet? क्या आपने internet पे कोई friend बनाया है कभी? Yes या फिर no? Write it like this. अगर बनाया है तो write yes, नहीं तो no लिखना है. How often do you write to them? आप अपने उस friend को जिसे आपने internet पे बनाया है, या कोई और friend जो आपका पुराना दोस्त है, उसको कितने times लिखते हैं, कितनी जल्दी याद करते हैं, कोई लेटर लिख के देते हैं या बात करते हैं, तो कितनी मीन्स ज्यादातर करते हैं, डेली करते हैं, ओकेजनली करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट इज, हाउ डू यू मेक न्यू फ्रेंड्स? अगर आपको कोई नया फ्रेंड बनाना है तो आप कैसे बनाते हो? दैट यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप दैट यू हैव हैड? आपकी जो सबसे लंबी फ्रेंडशिप थी वो कितने साल तक थी? 10 साल थी, 5 साल थी, 2 साल थी? सो राइट डाउन द इयर्स. नेक्स्ट इज, व्हाट मेक्स फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम फैमिली? सो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्या वो आपकी फैमिली हैं, या ये जो फ्रेंड्स हैं ये आपकी फैमिली से किस तरह से अलग हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हो? अपने फ्रेंड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? दिस यू हैव टू राइट हियर. नाउ द सिक्स्थ वन इज, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड. विच क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड वुड यू लाइक द मोस्ट टू चेंज? तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है. यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सी उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आप चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको वो क्वालिटी लिखने के बाद ये भी बताना है कि आप उस क्वालिटी को क्यों चेंज करना चाहते हैं. मेरा जो फ्रेंड है वो झूठ बहुत बोलता है, तो मैं चाहता हूँ उसकी ये जो चीज है ना, वो चेंज हो जाए. क्यों चेंज हो जाए वो भी बताना है, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है. सो आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है. नाउ सेवेंथ वन इज, What happens when you and your friend argue or disagree? What do you do? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब आपका जो फ्रेंड है और आप दोनों मिलके क्या करते हैं, आर्ग्यू किसी बात पे जो है आर्ग्यू करने लगते, लड़ाई हो जाती है, या फिर किसी बात पे डिसअग्री हो जाते हैं. मीन्स कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब फ्रेंड कहता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, और आपने कहा नहीं मेरे हिसाब से ये ठीक है. तो होते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं आप लोगों के भी बीच में. तो क्या होता है उस समय? व्हाट डू यू डू ऐसे सिचुएशन में? आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड की बात मानते हुए अपनी बात उससे जबरदस्ती मनवाते हैं, या फिर कोई तीसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं? दिस यू हैव टू राइट हियर. नाउ इट वन इज, Why is friendship so important to you? Friendship आपके लिए इतनी important क्यों है? ये बताना है. And the ninth one is,
What do you think friendship should be based on? Friendship किस चीज पे बेस होनी चाहिए? क्या वो मनी पे, क्या वो ट्रू फ्रेंडशिप पे, या फिर किसी और फैक्टर को जिसको आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंडशिप किस चीज पे बेसिस होनी चाहिए? सो दिस यू हैव टू राइट हियर.